ऐसा है कि एक साल में ही मेरा टारगेट पूरा हो गया और मोनेटाइज भी हो गया चैनल, और आप सभी के प्यार से ही, आप सभी के सपोर्ट से ही मैं इतनी आगे पहुंच चुकी हूं, और मेरे घर वालों का भी मुझे फुल सपोर्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम, एंड कैसे हैं आप सबके सब। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है, सो के जब मैं उठी तो फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद हमने दूध बनाया और दूध के साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या ब्रेकफास्ट हो रहा है। और आज है 1 सितंबर और 1 तारीख को हमारी मीटिंग भी होती है, सफाई भी करते हैं हम लोग। तो हमने कल ही डिस्कशन किया था कि हम सुबह ही सफाई करेंगे, दिन को बहुत धूप होती है और दिन को कुछ एक लेडीज़ इधर उधर भी जाएंगी, तो सफाई हम ज़रूरी करते हैं 1 तारीख को। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सफाई करने। और आज मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, ताई जी मुझे बोल रहे थे कि रोज़ ही उठा कर ऐसे सुबह सुबह डांट रहे थे, आज ही उठ गई जल्दी। ठंडा होने के लिए इसी में रखा था, और यहाँ पे मैंने ब्रेड पे जैम लगाया है। अब मैं बाहर जाऊँगी, मम्मी जी, गोयल जी और मैं दूध पियेंगे, डैडी आज घर पे नहीं है। देखिए महाराज भी पहुंच गए। तो इस बार का जो जैम है ये हमने खुद तैयार नहीं किया है, ये खरीदा हुआ है, पिछली बार डैडी ने खुद बनाया था। देखिए इनका भी चालू है, मम्मी जी का भी अभी भी चालू है, और मैं हो गई हूँ फ्री, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो क्या यहाँ के मौसम का हालचाल देख लीजिए, अय्या मासी जी पहले ही तैयार बैठे थे, और यहीं पे पहले हम लोग इकट्ठा होते हैं। दो हो गए हम लोग, ताई जी वैसे पहले ही निकल गए थे। हमारी सफाई शुरू हो चुकी है, सबसे पहले आपको पता ही है मिसी चुनी देवी जी हाथ लगाती है, आली देवी जी भी और नीचे है राधा देवी जी, नीचे से आ रही है मोटी दीदी सफाई करने इस बार। उधर से लेके यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, और चित्रमणि के बदले आए उसकी सास, बोझा ढोएंगे बोला ये लोग क्या, ये अकेले ढोएंगे बोझा। और 1, 2, 3, 4 हम सफाई करने वाली। एक हाथ से काम कर रहे बेचारे दीदी, इनकी बहू जी चले गए कहीं। और मिसी चुनी देवी जी को बहुत ही जल्दी लगी हुई है, आगे आगे जा रहे हैं, ऊपर से लेके रोड से लेके आए हम लोग और चित्रमणि जी के शेड तक पहुंच गए हैं। थक गए हमारे बोझा ढोने वाले। हमारे घर तक पहुंच गए हम लोग सफाई करते करते। देखिए कितना ज़्यादा साफ हो गया है, मैं पानी पीने के लिए आई थी अंदर, और मोटी दीदी भी बेचारे एक हाथ से भी सफाई कर रहे हैं।
सच में। कितनी ज़्यादा गंद निकलती है हर बार ही, हर महीने हम सफाई करते हैं। अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो जंगल भर जाएगा यहाँ से। कॉमन देवी का जो ये सुदामा का बैग है ना, देखिए साथ में रखा है। वो जब बोला मेरी सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं घास काटने जाऊंगी, क्योंकि ताई जी हर रोज ही सुबह सुबह घास काटने जाते हैं। और आज हमारा सफाई का दिन था, हमने पहले ही प्लानिंग की थी कि हम सुबह ही सफाई करेंगे, तो घास काटने में मानेंगे नहीं, उसके बाद भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए मोटी दीदी रेस्ट कर रहे हैं, गोयल जी ने चाय बनाई है हम लोगों के लिए, दीदी पी रहे हैं, मासी जी भी पी रहे हैं। तेनी आ चांदनी, अच्छा ऐसी बुनने चाहिए एक हमारे आदमी नीचे जैसे हैं। पीछे से दीदी क्या क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी आपको कि हम लोग 6:30 बजे के लगे हैं और 8:10 हुए हैं, 9 बज जाएंगे हमारे को सफाई करते करते। पेड़ है लास्ट वाला, देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं लास्ट करते हुए आली मासी जी और राधा देवी जी। हेलो, 9 बजने वाले हैं, जब तक आली मासी इसको नीचे पहुँचा देंगे ना तभी को 9 बज जाएंगे। मिसी चुनी देवी जी ने पूरी घास निकाल दिया आगे आगे। किसी को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बोलो चुनी देवी जी। हाँ जी, तो बोला आपने? हाँ जी बोला। चला कर भाई, कर जाए, मशीन खोल जाओ, मशीन क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो। मैं बोलो भाई घर जाए। घर जाना आपने की घास काटने? घास काटने जाना तो बोलो, उसके बाद हम तीनों जाएंगे घास काटने। इन दोनों को देख के मैं भी जाऊंगी घास काटने। ताई जी ने अभी घास काटना, फिर रोटी खानी, फिर जाना डंगरे चराने, फिर आते ये डंगरे चरा के 2-3 बजे फिर हमारी मीटिंग होगी। उस पॉइंट तक पहुंचते हम 4 लेडीज थी, एक चले गए क्योंकि उनके घर के सारे सदस्य चले गए और उनके पास छोटा भाव था देखने को। ताई जी शुभ लग। बड़े वाली फोटो खींच लिए ताई जी, बोले होर खींच जैसे ही मैं चू बैठ रही हूँ, होर खींच। जाओ बाय। जाओ, कितना टाइम पास किया इन्होंने यहाँ, 5 मिनट लगा दिए ताई जी ने यहाँ पे बैठे। मैं दिखाऊंगी ना कैसे चढ़ती है चुनी देवी जी। चला जहाँ पर लगे हम बाल दिन, कितना टाइम वेस्ट किया इन्होंने, जा नहीं रहे हैं, इतना छोटा सा है चढ़ने को। बोला चढ़ा बोला मुँह में, चढ़ा बोला मेरे को यहाँ से ऊपर। चप्पल भी गिर गई ताई जी की। बाय। मैं घसीट रही थी इनको नीचे, डर रहे थे मेरे से, फिर से घसीटेगी मेरे को। ताई जी उधर जा रहे हैं, मैं और आली मासी थोड़ा रास्ते से उधर साइड को काटेंगे घास, तो मिलते हैं अब घर में जाके ही। 10:15 रहे हैं, हम लोग घर में पहुंच गए। मैं भी, मम्मी जी भी, बने हैं परांठे जो कि गर्म हो रहे हैं अभी। ये हैं आलू के परांठे और जो कि हमने सुबह ही बनाए हैं, और इसमें है दही। गोयल जी ने पहले ही खाई और चले गए, मम्मी जी और मैं अभी खा रहे हैं। दही भी है, लस्सी भी है, ताज़ी लस्सी। ये है आलू के परांठे। दिन के 12 बजने वाले हैं लगभग, और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, मम्मी जी नहा रहे हैं और मैंने यहाँ पे सेब काटे हैं गोल्डन और बांस है या तो ये रॉयल है, पता नहीं। आजकल बहुत मज़े होते हैं, तरह तरह की वैरायटीज़ के सेब मिलते हैं, खीरे मिलते हैं देसी खीरे खाने को। ये रखे हैं देसी खीरे। सो गाइस, अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आप सही से मैं एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगी, एक नहीं बल्कि 2 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा वॉच टाइम जो होता है उसका, वो टारगेट पूरा हो गया था 24 अगस्त को,
और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि 4 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, 4 दिन में। और ये पूरी मेरी 1 साल की मेहनत है। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, जो नए यूट्यूबर है उनको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब पे ही वीडियोस देखनी होती है, उससे ये सीख लेते हैं सभी लोग की मोनेटाइज कैसे करना है चैनल। तो उसमें बताया होता है 10 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे वो ट्रिक अपनाओगे, लेकिन मेरा 4 दिन में 29 अगस्त को मेरा 7:00 कुछ पर मुझे मैसेज आया था कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समझ ही नहीं आता है, वीडियो देख के तब भी कई बार समझ नहीं आता है। फिर गोयल जी ने भी मेरी हेल्प कर ली और गूगल एडसेंस के लिए हमने अप्लाई तो किया था, लेकिन गूगल एडसेंस अकाउंट ही लॉग इन नहीं हो रहा था। तो फिर उसकी भी कई वीडियोज़ देख के हमने धीरे धीरे से कर लिया, तो उसके बाद हमारा काम हो गया। अब तो मैं उम्मीद करूँगी आप सभी लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और आप सभी के प्यार से ही, आप सभी के सपोर्ट से ही मैं इतनी आगे पहुंच चुकी हूं। सबसे पहले हर काम में खुद की मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, और एक यूट्यूबर तो ये भलीभांति जान सकता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। ऐसा है कि 1 साल में ही मेरा टारगेट पूरा हो गया और मोनेटाइज भी हो गया चैनल। तो सबसे पहले दविंद्रा दी ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत से लोगों ने की है। दविंद्रा दी ने यहाँ आके बहुत ज़्यादा रानो ने भी, सिमोन और रानो तो हर किसी को बोलते रहते थे, दविंद्रा दी भी बोलते रहते थे, मेरी सिस्टर बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं उतनी ज़्यादा बड़ी वाली, और स्नेहा मेरी कज़न, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उसने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बोला था कि सबको मेरी दीदी का चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोज़ देख लें। और मेरे घर वालों का भी मुझे फुल सपोर्ट रहा है, गोयल जी का भी फुल सपोर्ट रहा है। जब मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू की थी तो तब गोयल जी ने मुझे बोला था कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे करना है तो तू लगी रह, लेकिन बाद में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो आप सभी लोगों ने भी बहुत साथ दिया, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस नहीं देखते, तो आज मैं कामयाब नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे लिए, और आज के बाद जो भी मेरी वीडियोज़ आप देखोगे, मैं अर्निंग तो ऐड की होती है, ऐड स्किप ना करें, मैं तो यही है कि वीडियोज़ देख लें। आज के बाद मेरे जितनी भी वीडियोस आएगी उसमें अर्निंग हो जाएगी। और ये गुड न्यूज़ मैं आपको पहले ही देना चाहती थी, फिर मुझे लगा कि 1 तारीख आने ही वाली है, मैं व्लॉग तो वैसे भी बना लूँगी और उसी दिन मैं आप सभी को ये गुड न्यूज़ दे दूँगी। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने अपना प्यार दिखाया, अपना प्यार दिया, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मैं अपने रूम में आई हूँ, दिन को मैं हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ। शुरू मैंने बहुत टाइम पहले किया था, आई थिंक 3 महीना पहले, फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी 8-10 दिन। तो गोयल जी ने बोला इसको कंटिन्यू कर, तूने इसको पढ़ा चाहिए, अगर तूने सोचा है कि इसको पढ़ना है तो कंप्लीट कर दे इसको। और सुना भी था कि प्रेगनेंसी में भागवत गीता पढ़ना अच्छा रहता है, और वैसे भी भागवत गीता मैं ये कहती हूँ कि भागवत गीता सबको ही पढ़नी चाहिए अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो। तो मेरा चला है 13वां अध्याय, पूरे अध्याय 18 हैं। और चलिए थोड़ी देर में भगवत गीता पढ़ लेती हूँ, तो फिर मिलेंगे 3 बजे ही। कितने बजे गए हैं हम सभी लोग, पहुंच गए मंदिर के पास। और कहती थी नहीं ये लो मी मुरुदी आवड़ जाए मेरे लच्छा आने से, मासी जी ने जाना है बस में वापिस, अभी सारी नहीं आएंगे, एक ऊपर से आ गए एक रह गए हमारे आने वाले। हाँ जी, तो बुआ जी तो पहले ही आए थे, मिसी चुनी देवी जी के घर में बैठे थे ये थोड़ी देर, मामी जी का वेट कर रहे हैं हम लोग। पढ़ना लिखना अभियान के टाइम में सीखे इन्होंने सिग्नेचर करने, जल्दी देखिए ताई जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं अपने पोते को लेके। क्या नाम है इसका? अभी अभी नाम है इसका अभिनव, विवांश है इसका ऑफिशियली नाम। और ये आ गई है हेमलता, डिलीवरी होने के बाद पहली बार आई है, आज 4th महीना लगा तेरे को? हाँ 4th महीना शुरू हुआ। हाय, चल अब चल पड़े। अच्छा, ये तो अब जा रहे हैं हम अपने घर की ओर,
मीटिंग खत्म हुई हमारी। अभी नहीं है चिन्नी देवी जी अपनी चटाई को कर रहे हैं फोल्ड। चलो से भेजा चित्रमणि के मेहमान सारे सारे जा रहे चित्रमणि के मेहमान ये सारी औरतें नीचे को और मैं और ताई जी सच में घर जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो बता देना जरूर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सी यू सून। शुरुआत भी चिन्नी देवी जी के साथ।